आज हम पनीर की एक कम लाजवाब सब्जी बनाने जा रहे हैं, कढ़ाई पनीर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ये कढ़ाई गरम कर ली, इसमें मैं तेल डालूंगी 4 चम्मच। देखिए जब तक तेल गरम हो रहा है, सबसे पहले हमने भी फ्राई करके इसको निकाल लिया है। अब इसमें हम अंडा फ्राई करके निकाल लेंगे, फ्राई करके डाल देंगे। टमाटर भी फ्राई करके, इलायची, कढ़ाई, थोड़ा सा जीरा जो दोनों लेंगे, इसमें भून लेंगे। 2 टमाटर स्लाइस काट देंगे और उसको डाला, इसमें थोड़ा कड़ी पत्ता डाला, थोड़ा सा काजू डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, फिर इनको चलाएंगे जब तक ये थोड़ा मिक्स ना हो जाए। फिर हल्का सा सॉल्ट डाल देंगे, देखिए अच्छा आ रहा है। हरी मिर्च को काट के डाल देंगे, 1 चम्मच और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, आपको जैसा पसंद है आप वैसा डालेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको जार में पीस लेंगे, बारीक एकदम पेस्ट बना लेंगे। अंडे का क्यून लिया है, इसमें हम थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डालेंगे, फिर हमने 2 काले चने को इसको डाल देंगे। इसका प्रोसेस प्रिपेयर रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर हल्का सा, आप चाहे तो कस्तूरी लाल मिर्च यूज़ करिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आप थोड़ा सा कढ़ाई पनीर मसाला ऐड, वैसे मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है, मैंने 5 लोगों के हिसाब से कढ़ाई पनीर बनाया है। पेस्ट तैयार किया था, पूरा पेस्ट डाल देंगे। जब तक पक रहा है इसमें मैं शिमला मिर्च, टमाटर और जो कांदा था उसको फ्राई किया था, प्याज को, उसको ऐड करके चलाती रहूँगी कंटिन्यूस, आप चलाते रहिए। हमने फ्राई किया था, देखिए इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक, हमने पहले भी नमक डाला था इसलिए हम थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार डाल रहे हैं। इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे। देखिए हमारा कढ़ाई पनीर बन के रेडी हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू। देखिए कलर कितना सुंदर है।